जय मसीह के दोस्तों, आज के सूर्य की वंदना का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसका पहला वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म देकर उसने कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, यहां ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें दर्शाता है कि हवा को आज इस पल यहोवा की कृपा के बारे में पता लगा, यहोवा की दया के बारे में पता लगा। वो परमेश्वर जिसने आदम की वाटिका बनाई थी, वो परमेश्वर जिसने हवा और आदम को आदम की वाटिका में रखा था, वो परमेश्वर जिसने हवा और आदम को अधिकार दिया था धरती पर, लेकिन वो अपने अधिकार को भूल गई, वो भूल गई उसके प्यार को, वो भूल गई उसके अनुग्रह को और उसने पाप किया। लेकिन आज आप सोचिए, वो महिला हवा जिसने पहली बार एक बच्चे को जन्म दिया, जो पहली बार प्रसव पीड़ा से तड़पी होगी, बच्चे को पैदा करते हुए उसे पीड़ा महसूस हुई होगी और तब उसे एहसास हुआ होगा, तब उसने याद किया होगा परमेश्वर के प्यार को कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, कितना अनुग्रह किया, लेकिन हमने उसके अनुग्रह को, उसकी कीमत को नहीं जाना, हमने उसके प्यार को नहीं जांचा और हम उसके बातों को पूरी तरीके से अमल में नहीं ला पाए और हमने पाप किया। दोस्तों, यही बाइबल हमें बताती है, यही पौलुस हमें बताता है दूसरा कुरिन्थियन 6 में। वो पौलुस हमें बताता है कि 6 का पहला, अतः उसके सहकर्मी होने के नाते हम भी तुमसे ये आग्रह करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण मत करो। उसके अनुग्रह को समझो मेरे भाई, उसके अनुग्रह को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका अनुग्रह क्या है? हम क्या थे और हम परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? क्या आप धर्मी बने अपनी मेहनत से? नहीं, हमें परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा अपनी कृपा से हमें धर्मी बना दिया, हमारे सारे पापों को मुक्त कर दिया। उसका एहसास हमारे अंदर होना चाहिए, उसका प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। वो कीमत जो परमेश्वर ने हमारे लिए भोगी है, वो कीमत जो यीशु मसीह ने क्रूस पर भोगी है हमारे लिए सुख देने के लिए, उस अनुग्रह के द्वारा, वो बहुत 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 बेशकीमती है। उसका कोई मोल नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि उस अनुग्रह को व्यर्थ में ग्रहण मत करो। अगर आप उस अनुग्रह को अपने जीवन में लेते हैं तो उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाइए, उसके मुताबिक अपने चाल चलन को बनाइए, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम मसीह के हैं, हम संसार और प्रभु के दोनों के नहीं हो सकते हैं। हमें दोनों तरफ अपना पैर नहीं रखना है, हमें दोनों तरफ नहीं चलना है। अगर हम संसार से निकाले गए हैं तो हम प्रभु के बनकर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर, उस अनुग्रह को जानकर, उस अनुग्रह की शक्ति को अपने अंदर बसाकर, उस प्यार को, उसकी कृपा को, उसकी दया को समझकर हमें जीवन को बिताना है कि उसकी अद्भुत कृपा हमें मिली, उसका अद्भुत प्यार हमें मिला है। ये हवा ने कब जाना? जब उसने प्रसव पीड़ा को महसूस किया, जब उसने दर्द को महसूस किया। होता यही है मेरे भाई, मैंने कई भाइयों को देखा, कई बहनों को देखा है, कई पासवानों को देखा है जो उसके अनुग्रह को नहीं समझते हैं, जो उसके प्यार को नहीं समझते हैं और वो उससे दूर हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हमें परमेश्वर ने कैसे पाला था, हमें परमेश्वर ने कैसे गोद में रखा था। इसराइलिस जब मिस्र से निकाले गए, आप सोचिए कि जो रास्ता 11 दिन में पूरा होता था, इसराइलियों ने अविश्वास की वजह से 40 साल लगा दिए और बाइबल कहती है कि उनके पैरों के जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके मोजे नहीं फटे। कैसे हुआ ये सब कुछ? क्योंकि 40 साल तक परमेश्वर ने उनको अपनी गोद में उठा रखा था, वो चलते ही नहीं थे, उनकी गोद में परमेश्वर के साथ थे। आप सोचिए कैसा अनुग्रह था, आप सोचिए कितनी दया थी, आप सोचिए कितना प्यार था परमेश्वर का। लेकिन इसराइली नहीं समझ पाए, वो कुड़कुड़ाते रहे मेरे भाई मेरी बहन, और वो प्रॉमिसिंग लैंड तक नहीं पहुंच पाए। क्या करना था उन्हें? परमेश्वर की उपासना। मूसा उन्हें हर बार बोलता था, मूसा फिरौन के सामने मूसा उन्हें बताता था कि हमें मिस्र से जाने के बाद क्या करना है, परमेश्वर की उपासना करनी है। अरे यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने हमें अलग क्यों किया कि हम उसकी उपासना करें? परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके अपना क्यों बनाया? ताकि हम उसकी उपासना करें, ताकि हम उसकी स्तुति करें, ताकि हम उसकी आराधना करें। लेकिन परमेश्वर के चरणों में आने के बाद भी हम संसार को नहीं भूलते,
हम संसार के नहीं हो, हम संसार को नहीं भूल पाते हैं और परमेश्वर के भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस अनुग्रह को हमें थामना है, उस अनुग्रह को हमें अपने जीवन से लगा के रखना है, ताकि कोई दर्द, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा पल जो हमें दुख दे, हमें दर्द दे और हमें प्रभु से दूर करे, कभी ऐसा ना है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें बादलों पर सवार होकर लेके जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें यीशु मसीह से मिलवाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें सिंहासन के सामने खड़ा करेगा और हम यहां पर अन्य जातियों का हम न्याय करेंगे। आइए दोस्तों, अपने उस अनुग्रह को पहचानिए, विश्वास करिए कि वह अनुग्रह हमारा है, विश्वास करिए कि हम परमेश्वर के पद राज्य अधिकारी हैं, हम चुना हुआ वंश हैं, हम पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर ने अंधकार से इसीलिए हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम उसके महान गुणों को प्रकट कर सकें। यही हमारा काम है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें अद्भुत आशीष और सुख दिया। परमेश्वर तूने हम पर कृपा की है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। सुनने और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। मैं